दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच RVS एकेडमी पे। तो देखे कल मैंने बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक विटामिन पढ़ाया था, उसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी को संपूर्ण रूप से पढ़ा दिया था और शेष विटामिन है उनको मैं आज क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। तो एक बार फिर से बता दूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। देखिए तो विटामिन डी, अगला विटामिन क्या है? विटामिन डी। आप लोग जानते हैं कि जो विटामिन डी जो होते हैं, विटामिन डी इनका खोज किया था हॉपकिंस ने। किसने किया था? हॉपकिंस ने। कोई पूछे छोटू बताइए विटामिन डी का खोज किसने किया था, तो क्या बोलिएगा? हॉपकिंस। अगर इनके रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इनका रासायनिक नाम होता है क्या? कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्शियम से बना है क्या? कैल्सीफेरॉल। इनका रासायनिक नाम क्या होते हैं? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अगर इनकी खोज के बारे में बात किया जाए तो इनका खोज किसने किया था? हॉपकिंस। इनकी रासायनिक नाम के बारे में बात किया जाए तो इनका रासायनिक नाम क्या होते हैं? कैल्सीफेरॉल। अगर इसकी कमी से, यानी जिसकी शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, उनके शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? रिकेटस। इसी को दूसरे शब्द में हम लोग गांव देहात में कहते हैं सुखंडी। यानी कहने का मतलब आप कितना भी उसे कुछ कर लीजिए लेकिन उसका बॉडी विकसित नहीं होता है। यानी कहने का मतलब उनका हाथ पैर एवं शरीर संपूर्ण रूप से पतले रहते हैं, शरीर विकसित नहीं हो पाता है। तो वैसे रोग को क्या कहते हैं हम? सुखंडी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखंडी रोग कहते हैं। इस रोग का स्रोत जो है वो सबसे पहला मेरा क्या है? मिल्क, यानी दूध से क्या होती है? दूध में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम पाए जाते हैं और कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए क्या होते हैं? बहुत ही उपयोगी होते हैं। यानी दूध पीने से हमारे क्या होती है? हड्डियां मजबूत हो जाती है। तो इससे हमारे क्या है स्रोत में सबसे पहला क्या आएगा? मिल्क। उसके बाद क्या है? सन ऑफ लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में यह विटामिन क्या होती है? पाई जाती है। संपूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश में यह विटामिन क्या पाई जाती है? तो देखे होंगे आप लोग गांव देहात में, सुने होंगे अगर कोई आदमी मॉर्निंग में टहलता है तो क्या बोलते हैं लोग? विटामिन डी ले रहा है, तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए इनके स्रोत के बारे में तो फिश यानी मछली, और मछली के तेल में क्या पाए जाते हैं? विटामिन डी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है छोटू, अगर आप मछली खाते हैं तो मछली में क्या पाया जाता है? विटामिन डी। लेकिन अगर आप मछली का लीवर खाते हैं, लीवर, यानी कोई पूछे छोटू बताइए फिश लीवर यानी मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो क्या बोलिएगा? विटामिन ए। अगर कोई पूछे मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। अगर कोई पूछे बताइए मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। लेकिन अगर कोई पूछे बताइए छोटू मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता होगा तो क्या बोलिएगा? विटामिन ए। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ से बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। यानी कहने का मतलब विटामिन डी को क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो शरीर में सबसे तेज गति से बनता है, यानी इसका जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही हमारे शरीर में फास्ट होता है। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में बहुत ही तीव्र गति से बनकर तैयार हो जाते हैं, तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। यानी कहने का मतलब पहला क्वेश्चन पूछा जाए जो बताइए छोटू फिश लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बोलिएगा विटामिन ए। अगर कोई पूछे बताइए मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। लेकिन अगर कोई पूछे सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। शरीर में सबसे तेज गति से बनने वाले विटामिन कौन है तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। उसके बाद यह एकमात्र ऐसा पृथ्वी पर का एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है। क्या है? हार्मोन भी है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। अगर कोई पूछे कौन ऐसा विटामिन है जो एक हार्मोन का भी काम करता है तो क्या बोलिएगा? विटामिन डी। तो एक बार फिर से रिवीजन में आते हैं, कोई पूछे बताइए छोटू विटामिन डी का खोज किसने किया था, तो बोलिएगा हॉपकिंस। हॉपकिंस नामक एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? विटामिन डी का खोज किया था। उसके बाद इनकी रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इनकी रासायनिक नाम क्या होते हैं? कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल।
उसके बाद अगला क्या है, रोग। तो इनके कमी से क्या होते हैं, रिकेटस नामक रोग हो जाते हैं, यानी सुखंडी नामक रोग हो जाता है। कहने का मतलब शरीर संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, हाथ पैर सभी के सभी पतले हो जाते हैं। उसके बाद अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इनका स्रोत है मिल्क, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, मछली एवं मछलियों का तेल। लेकिन मछली के लीवर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। चलिए उसके बाद सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो क्या बोलिएगा, विटामिन डी को। कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है, तो क्या बोलिएगा, विटामिन डी। अगर कोई पूछे शरीर में सबसे तेज गति से कौन सा विटामिन बनता है, तो क्या बोलिएगा, विटामिन डी। तो आशा है आप लोग विटामिन डी क्या हो गए हो, समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, आगे है मेरा विटामिन ई। अगर इसकी खोज की बात किया जाए तो इसका खोज किया था इवांस कैथरीन। किसने किया था, इवांस कैथरीन। ये भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, विटामिन ए का खोज किया था। इनकी रासायनिक नाम के बारे में बात किया जाए तो इनका रासायनिक नाम था कैल्सिफेरॉल और इनका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है इनका रासायनिक नाम, टेकोफेरॉल। दो बार बोलिएगा, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टेकोफेरॉल विटामिन ई। अगर इनकी स्रोत, इनकी कमी से रोग की बात किया जाए तो इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो बहुत ही भयानक रोग होते हैं। यानी अपने गांव समाज में अगर इस रोग, अगर यह रोग किसी को हो जाए तो लोग उसे नपुंसक की श्रेणी में रखते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कहने का मतलब इनकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यानी कहने का मतलब वह व्यक्ति प्रजनन नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति अपने समान संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इनका जो स्रोत है, इनका स्रोत है अंकुरित। क्या है, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज यानी कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे चना को अंकुर करके लोग खाते हैं, मूंग को, यानी अन्य चीजों को क्या करते हैं, अंकुरित करके खाते हैं। तो ये क्या है इनका स्रोत। इनका नोट में लिखा गया है, यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिनका निर्माण क्या होते हैं, सतह होते हैं। कहने का मतलब आप जरा सोच के देखिए छोटू, यह जो विटामिन अगर कोई ऐसे चीज में पाया जाता जो चीज बहुत महत्वपूर्ण होते, मान के चलिए यह विटामिन आम में पाया जाता, तो मान के चलिए कि कोई ऐसा समय आते जिस समय आम क्या हो जाते, बहुत ज्यादा महंगे हो पाते, तो जो जो मानव इस आम को खरीदने में असक्षम हो पाते उनके शरीर में तो विटामिन ए की मात्रा नहीं होती। तो उस समय में वह मानव बताइए अपना रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण कर पाता, नहीं कर पाता, अपने समान संतान उत्पन्न कर पाता, नहीं कर पाता। इसीलिए क्या किया, प्राकृतिक बहुत होशियार था, उन्होंने क्या किया, शरीर के अंदर ही ने क्या कर दिए, एस्टिमेट कर दिया। यानी कहने का मतलब आपके कोशिकाओं में यह क्या करते हैं, बनते हैं। यानी कहने का मतलब आप पढ़िए लिखिए तो भी अच्छा, नहीं लिखिए तो भी अच्छा, खाइए कुछ खाइए तो भी अच्छा, कोई विटामिन शरीर में रहे तो भी अच्छा, नहीं रहे तो अच्छा, लेकिन अब क्या है, आपके शरीर में विटामिन ई की प्रधानता प्राकृतिक खुद व खुद पहले से डाल दिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है भारत की जनसंख्या कितनी है, अगर यह विटामिन नहीं भी रहा तो पढ़ भी क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए अगर इसके बारे में बता दूं तो इनकी संख्या, इनका जो रोग है यह क्या होते हैं, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। यानी इनकी कमी से क्या हो जाती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और इनका स्रोत क्या है, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। और यह मात्र एक ऐसा विटामिन है जो प्राकृतिक के द्वारा शरीर में क्या होते हैं, स्वतः इनका निर्माण होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा।